हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसिस कोहली की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे चैना मुर्गी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही आसानी से हम इसे घर पर बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है, जिनको मैंने पीसेस में काट लिया है। ये 200 ग्राम ही मैंने चीनी ली है, एक बाउल के करीब मैंने चीनी ली है और आधा बाउल मैं पानी का ले रही हूँ। और ये केवड़ा वाटर है। इन सब चीज़ों से हम चना मुर्गी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने गैस पर पैन रख लिया है, नॉनस्टिक पैन लिया है मैंने। इसमें मैं चीनी डाल दूंगी, अब इसमें मैं पानी भी डाल दूंगी। अब हम इसके चाशनी बनाएंगे। चीनी को अच्छी तरह से हिला लेंगे और इसे घुलने तक पकाएंगे। फ्लेम हाई की हुई है मैंने इसकी। देखिए, चीनी इसमें घुल चुकी है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे हम पकने देंगे। चाशनी अच्छी तरह से पकी हुई होनी चाहिए। एक तार की चाशनी हमने तैयार करनी है। बीच बीच में से चलाते रहेंगे। ये देखिए, चाशनी अच्छी तरह से पक चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसे आधा मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी और फिर हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि एक तार की चाशनी बनी है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तार की चाशनी हमारी बन चुकी है। अब हम इसमें पनीर के टुकड़े डाल देंगे। बस चाशनी हमारी अच्छी से पकी हुई होनी चाहिए, तभी हमने पनीर इसमें डालना है। अब पनीर को चाशनी में अच्छी तरह से कोट करेंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है अभी इसमें, और धीरे धीरे से चलाते रहना है। ये बहुत झटपट से रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए हम इस तरह से घर पर मिठाई आराम से बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी और गाढ़ी हो चुकी है और पनीर के ऊपर भी काफ़ी अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। अब फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे अच्छी तरह से इसमें पकने देंगे और साथ साथ इसको चलाते भी रहेंगे, ताकि चीनी अच्छी तरह से सभी पनीर के ऊपर कोट हो जाए। अब फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी और साथ के साथ इसे हम चलाते भी रहेंगे। ये देखिए इस तरह से। शुगर को हमें पाउडर फॉर्म में लेकर आना है और इसे पनीर के ऊपर अच्छी तरह से कोट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी तरह से शुगर हमारी पनीर के ऊपर कोट हो चुकी है। अभी भी हमें इसे थोड़ा और चलाना है, जब तक शुगर बिल्कुल पाउडर नहीं बन जाता। जिस तरह बूरा होता है, बूरा का रूप चीनी का बन जाना चाहिए, तब हमारी छैना मुर्गी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बिल्कुल धीरे धीरे इसे हमने हिलाना है, ताकि हमारे पनीर के पीसेस भी टूटे नहीं।
हर पनीर के टुकड़ों के ऊपर देखिए कितनी अच्छी तरह से चीनी कोट हो चुकी है। बस इसी तरह से हमने इसको चलाते रहना। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी हमारी अच्छी तरह से पनीर के टुकड़ों के ऊपर कोट हो चुकी है। हमारी छैना मुर्गी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है आपके लिए छैना मुर्गी। आप भी इस तरह से घर पर बनाइए और सबको खिलाइए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।